अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सब्जियों के कटलेट्स। तो विंटर्स शुरू हो गए हैं, तो विंटर्स में सब्जियाँ बहुत अच्छी आती हैं, बहुत वैरायटी होती है, फ्रेश बिल्कुल आपको अवेलेबल होती हैं वो। तो आज मैंने ली हैं, काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं इसमें, जो जो मुझे मिली वो मैं सब ले आई। तो ये मैंने लिया है गाजर, मैंने लिए 1 कप ग्रेट की हुई। सारी सब्जियाँ मैंने एक एक कप ली हैं। तो 1 कप ग्रेट की हुई गाजर है, ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, इसको मैंने बॉईल करके मैश करके रखा है। 1 कप बारीक कटा हुआ फूल गोभी है, और ये मैंने चुकंदर लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये ऑप्शनल है क्योंकि ये इसका कलर काफ़ी निकलता है, तो सारे कबाब लाल हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें, चाहें तो आप इसको स्किप कर लें, लेकिन ये मुझे ऐड करना था तो मैंने ये भी रखा हुआ है। 1 कप ग्रेटेड चुकंदर है, 1 कप मैंने ग्रेट करके लौकी ली थी और इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है, तो ये बॉईल की हुई है। अच्छा, ये जो है इसमें ये सारे ग्रीन्स हैं, तो इसमें थोड़ी सी मैंने पालक ली है, थोड़ा सा बिल्कुल मैंने स्प्रिंग अनियन काट के रखा है, और थोड़ा सा मैंने इसमें सोया की भाजी मिलाई है, और ये 2 मैंने हरी मिर्च काट के रखी हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद 1 कप बन जाता है। 1 कप मैंने बहुत बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी लिया है, 1 कप मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, और ये फ्रेंच बीन है, ये भी 1 कप ली है बहुत बारीक कटी हुई। इसके अलावा भी आपको जो सब्जियां इसमें ऐड करना हो आप इसमें आराम से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ पाउडर्ड मसाले हैं, तो ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून धनिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली थी। तीनों को लेकर मैंने इसको हल्का सा रोस्ट किया, और रोस्ट करके मैंने इसको पीस लिया। तो ये धनिया, ज़ीरा और सौंफ है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने गरम मसाला पाउडर लिया, इसमें ज़्यादा नहीं डाला जाएगा, बहुत हल्का सा, बस हल्की सी खुशबू आ जाए। 1 टीस्पून 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिए, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है। तो अब हम इसको सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं एक बड़े सारे बोल में। अब ये कोई एक बड़ा सा बोल ले लें, और उसमें सारी चीज़ें, सारी ये सब्जियाँ डाल दें। अच्छा, ये सारी चीज़ें डालने के बाद, अभी मैंने आलू नहीं डाले हैं इसमें, और चुकंदर भी मैं लास्ट में इसमें डालूंगी क्योंकि बिल्कुल लाल हो जाएगा इससे मसाला। और साथ ही मैं इसमें ये मैं डाल रही हूँ कॉर्न स्टार्च, तो ये मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च इसमें डाला है। और ये वाले सारे मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे, और ये आलू चुकंदर जो है वो मैं लास्ट में मिक्स करूंगी, नहीं तो ये मसाला बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाएगा। तो लास्ट में बस मैं इसको ज़रा सा डालकर हल्का सा मिक्स कर लूँगी ताकि इसका ज़्यादा रंग नहीं निकले। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से गूंद लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें आप चख लें, आपको जो भी चीज़ इसमें कम ज़्यादा रखना हो, मतलब जैसे आपको नमक वगैरह चेक कर लीजिए, मिर्च आपको ज़्यादा चाहिए हो तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक और ऐड किया है, और कम मिलाने के बाद भी काफ़ी इसने रंग छोड़ दिया इसमें चुकंदर ने। अब हम इसकी पैटीज़ बनाएंगे। अच्छा, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, आप इसमें आलू भी बढ़ा सकते हैं, मुझे आलू ज़रा कम रखना थे तो मैंने 2 आलू लिए, आप इसमें आलू ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें आप अंडा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आपको जो पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च मिलाया है, तो आप चाहें तो इसमें बजाय कॉर्न स्टार्च के आप इसमें बेसन मिक्स कर लें, या आप इसमें अंडा मिक्स कर लें। तो बस ये है कि ये टूटे नहीं, अंडे से टूटते नहीं हैं, ये एक अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है कबाबों में। तो अब हम इसको तलना शुरू करते हैं, और इसको हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। अब देखिए तेल गर्म हो गया, और इसकी इस तरह से पैटीज बना के हम तलना शुरू करते हैं। मीडियम टू लो हीट में इसको तलना है। अब इसको बहुत ही एहतियात से फ्लिप करना है क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है ये, देखिए अच्छी तरह सिक गई। आँच इसकी कम ही रखिएगा क्योंकि ये अंदर तक से पक जाएं, और ये कम आँच में ज़्यादा अच्छी कुरकुरी बनती हैं। ये देखिए इतना अच्छा इसमें कलर आया है, और बस दोनों तरफ से इसी तरह से इसको सेक लें और सेक के निकाल लें। और ये लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से कुरकुरे से सब्जियों के कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं। इसमें आप अपने पसंद की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ या आप इसमें अंडा, जो भी आपको डालना हो।
और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, 2-3 महीने ये आराम से रह जाते हैं। इसको आप बनाकर जिप लॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में आप रख लें, और जब आपको बनाना हो निकाल के तल लें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।